नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। आज बात होगी उन लोगों की जो काफी देर से बिजनेस करना चाहते थे या फिर बिजनेस कर चुके हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं, मुनाफा नहीं आता, फिर थक हार कर हम बिजनेस बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसी फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं पूरी जिंदगी की, कब से बिजनेस शुरू किया है, अब तक बिजनेस फला फूला क्यों नहीं, लेकिन कभी हम इस बारे में नहीं सोचते कि आखिरकार वो कौन से लूप होल्स हैं, वो कौन सी वजहें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहें। एक बार आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आपको अब अपने बिजनेस के बारे में पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मूड नहीं है ये सोचकर आप बिजनेस के कामों में आनाकानी करें या चुनौतियों से भागें या फिर अपने ही डिसीजन पर शक करें कि क्या वो सही है या नहीं, तो आपको इस तरह की परिस्थिति से बचना होगा। साथ ही हमेशा फुल एनर्जी के साथ काम करना होगा जिससे आपको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर हों। प्रॉफिट शेयर करने की आदत डालें। किसी भी कंपनी को सफल बनाने में उस कंपनी के सहकर्मी का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि वो आपके कंधों से कंधा मिलाकर साथ में सफर करते हैं। बिजनेस में जिस भी तरह की आवश्यकता होती है, ये सहकर्मी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रात दिन एक कर देते हैं। तो जब भी बिजनेस में मुनाफा हो और आप उस मुनाफे को इन सहकर्मियों के साथ शेयर करें, इनका भी हौसला बढ़ेगा। ये काम के प्रति और भी सजग रहेंगे, अपनी कंपनी समझकर काम करेंगे। पार्टनर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखें। यदि आपके बिजनेस में आपके अलावा और भी लोग शामिल हैं, यानी कि को-फाउंडर्स हैं, तो आपको उनके साथ हर तरह की बिजनेस से जुड़ी पारदर्शिता रखनी होगी। यदि आप अपने पार्टनर्स के साथ पारदर्शिता रखेंगे तो यहाँ विश्वास मजबूत होगा। अपने कर्मचारियों की प्रशंसा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वर्क स्पेस में काफी वर्कलोड होता है, उस लोड के कारण कई लोग से अनजाने में कुछ गलत स्टेप हो जाते हैं जिससे आपके गोल्स को हानि भी होती है या आपकी स्ट्रेटजी बिगड़ जाती है और आप इसके लिए अपने सहकर्मी को फटकार भी लगा देते हैं। हालांकि ऐसा करना सही भी है, पर जब आपके सहकर्मी अच्छा काम करते हैं तो उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निराश जरूर होते हैं। ऐसे में यदि आप अपने सहकर्मियों के अच्छे कामों की सराहना करें तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो उस सराहना से प्रोत्साहित होंगे बेहतर काम करने के लिए। अपनी हर सफलता को सेलिब्रेट करें। कभी कभी हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन यदि वो गोल्स जैसे कि आप चाहते हैं उतना फुलफिल ना हो तो आप निराश हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि और भी गोल्स जो आपने डिसाइड किए थे वो अचीव हो रहे हैं या हो गए हैं, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। यदि आपने ये तय कर लिया कि आप अपनी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, वो भी अपने सहकर्मियों के साथ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कंपनी में सभी की सुने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने सहकर्मियों की बात को सुन सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें, जिसके कारण सहकर्मियों को ये फील होने लगता है कि मानो उनकी प्रॉब्लम से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी इसी सोच से कई बार उनके काम पर भी फर्क पड़ने लगता है। यदि आप ये तय कर लें कि हफ्ते में या महीने में एक बार आपको हर सहकर्मी की बात सुननी है, समझनी है और उसका समाधान ढूंढना है, तो आप अपने बिजनेस में सभी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। कस्टमर की सर्विस पर विशेष ध्यान दें। जब बिजनेस शुरू होता है तो आपका मुख्य फोकस कस्टमर पर ही होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है आप कहीं ना कहीं अपनी मुख्य धारा से विपरीत चलने लगते हैं। तब आपका मोटिव पैसा कमाना हो जाता है। याद रखें, ग्राहक ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए कभी भी ग्राहक को ठगने या उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने की ना सोचें। खर्चों को अच्छे से मैनेज करें। पैसा आता जाता है, खर्चे बढ़ते जाते हैं। कई बार हम ये नहीं तय कर पाते कि कैसे इन पैसों को मैनेज किया जाए जिससे आगे आने वाले समय में बिजनेस में और ग्रोथ लाई जाए। इस पर आपको विशेष रूप से काम करना होगा, सीखना होगा कि कैसे अपने पैसे को मैनेज किया जाए। आप चाहें तो इसके लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं।